दोस्तों मैं बीकानेर में हूँ और बीकानेर में आज भी अगर मैं बात करूँ तो ऊँटों का भरपूर उपयोग होता है। राजस्थान का जाज कहा जाने वाला ऊँट कहीं ना कहीं लुप्त होने की कागार पे, लेकिन बीकानेर में लोग जो हैं इसका बेखूबी इस्तेमाल करते हैं। और बीकानेर में ऊँट महोत्सव जो है अब फेस्टिवल है तो वहाँ हम कवरेज करना है। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे मैं आपकी बात करने का प्रयास करूँ। जितने लोग लाइव जुड़े हैं जरूर वीडियो शेयर करें। और बहुत जो है शानदार अपना जीवन होता था राजस्थान का, कहीं ना कहीं वो हमने अब उस जीवन को इस भागदौड़ी भरी जिंदगी के अंदर कुछ बदल लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं आज वो भी ऊँट इस्तेमाल करते हैं। आओ बाबा जी आओ, का ही नाम है आप? राम राम सर। क्यों गांव में हो? गांव है बीकानेर। एक सिटी में? अच्छा, अट अट ऊँट कौन कौन ले रहा है? बीरेंद्र सिंह जी। डिग्गा सर। डिग्गा सर बीकानेर में सर कंडा के बाद। अच्छा, कितना वर्षा उठ रहा हो आप? 10 साल रहा हूँ। अब आप आज कहीं ले रहे हैं? मूंगफली चारों कटो भरियो। अच्छा, गाँव लाया हर सिटी में हट कौन गाय बेरा के जगह ले? अच्छा, ऊँट अट बीकानेर में कितना आ गया हाल फिलहाल अगर बात करें? खेती ऊँट करो हाल लागे कितना राज्य। अच्छा, और बाकी ईंटा वगैरह में भी ढोवे? ईंटा बेटा तो बीकानेर रहो ढोवे ए मार गवर रहो गवर ईंटा को ईंटा को ईंटा लगने आगे पेंट को मत मिल जी एक दो जगह अटे हो जा पेंट पेड़ा है अट मिल जी कम में उठ गया बीकानेर बिल्कुल कम हो गया ईंट तो पहली बहुत बात था अभी क्या ट्रैक्टर आप घरों में कितने बजे निकले? 2 बजे रात के। मतलब अगर हम बात करें तो 2 बजे आटो 4 बजे पाचा घर जाओ पाचिन पाचो पड़ो रात रात के 4 घंटे होई नहीं तो क्या अंतरों खेड़वा है और बात बैठा एक दिन छोड़े एक दिन छोड़े। दोस्तों ये जो है कुछ ऊँट रखने वाले लोग थे। आज भी राजस्थान के अगर हम बात करें तो कई जगह ऐसी है जहाँ पर ऊँटों से जो है लोग चारा है या कोई जरूरत की चीज़ें हैं जो हल्की फुल्की चीज़ें उनको ढोने का काम करते हैं।
यहाँ पे ये ऊँट का जो है एक गाढ़ा भर के लाए हैं, चाल बोलते हैं इसको राजस्थानी के अंदर, और इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है लेकिन इतना बदलाव नहीं आया जितना होना चाहिए। ये बहुत सारे लोग हैं जो भर के लाए थे, अब यहाँ थोड़ा सा आग जलाई उसके ऊपर अपना थोड़ा शरीर ठंडा हो गया था, उसको वो बोलते हैं ना सुस्ती मिटाई, और अब अपने ऊँट गाड़ों का जो है तोल करेंगे और व्यापारी जी जो हैं ये यहाँ पे खड़े। आप लोगों का व्यापार का क्या सिस्टम होता है भाई इसको खरीदने बेचने का? हमारा ये छोटे वाले पशु वाला नहीं, हमारे से लेकर अच्छा दो बोरा चार बोरा हम यहाँ से। अच्छा, आपके वो बोलते हैं ना कि टाल डाली? टाल डाली। अच्छा अच्छा, आपके प्रकार होने वाला टाल वाला जो कि आप स्टोर कर तो दोस्तों ये कुछ जो है पशुओं के चारे का व्यापार का जो सिस्टम है वो बीकानेर के अंदर चल रहा था, ये सारे जो हैं अब मॉडिफाइड हो गए ये सारे। अगर मैं बात करूं तो क्योंकि पिकअप का लग रहा है कि ये उसमें आगे अपने गाड़ियों में पिकअप पे और गाड़ियों पे आगे, क्योंकि इन्होंने गियर डाला इंजन पे तेल पे चलेगी। लेकिन ऊँट वाले भी अभी भी बीकानेर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत सारा जो है आज कल और परसों तक बीकानेर के अंदर जो कैमल फेस्टिवल है वो आपको हम दिखाएंगे, उसी की कवरेज के लिए हम आए थे। ये ऊँट लेके यहाँ खड़े थे तो हमने आपको दिखाने के प्रयास का। जितने लोग जुड़े जरूर वीडियो शेयर करें, मैं आपको वजह फिर आ जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।